जय हिंद दोस्तों, मैं कर्नल अमित कुमार, रिटायर्ड ऑफिसर और अभी एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी और एफटी में। मैं आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट क्लिप आपको इसलिए बना के भेज रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वीडियो बनाने का बड़ा शौक है और कुछ भी नॉलेज में मे बी उनका क्या मकसद है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाना है, क्या करना है। ये वीडियो है कुछ प्राइवेसी के ऊपर, जिसके ऊपर लोग बिना किसी आधार पे कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं वीडियो पे आकर के, यूट्यूब लिंक में कि ये इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व नहीं है। कहीं रही बात पेटिशन की, तो पहली चीज़ मैं आपको एक बार बता दूं, अपने सोल्जर्स पे और ऑफिसर्स पे पूरा भरोसा रखिए आप। यहाँ पे केवल प्रोसीजर एस्पेक्ट पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जहाँ पे हमने बताया कि ये गलत तरीके से कन्फिस्केशन किया है और ये एक आदमी का अधिकार की बात नहीं, सारे सोल्जर्स के अधिकार की बात है। किसी का भी मोबाइल आप ऐसे नहीं उठा सकते, देयर इज अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ सीआरपीसी में। आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिवली किसी का ले लें, उसके बाद फिर आप उसको धोखा देते हैं कंसेंट का सर्टिफिकेट साइन करा के। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से हम गए हैं। दूसरा, कहीं भी किसी के खिलाफ कुछ नहीं लिखा है। कोई एक ग्रुप में कोई पार्टिसिपेट करता है तो क्रिमिनल लायबिलिटी एक आदमी की होती है, इसका मतलब ये नहीं कि सबके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी आ जाए। सीरियस एलिगेशन जो भी पॉइंट है जो कोर्ट में रखे गए, उसका हम जवाब भी दे रहे हैं और जवाब के बाद अभी हमने रिव्यू पिटीशन फाइल किया। कहीं कोई प्राइवेसी किसी की नहीं गई है, कोई अपना मोबाइल किसी को नहीं देगा ऐसे बिना उसके। अगर कोई आपको गुमराह कर रहा है, गुमराह मत होइए, ये एक सोल्जर्स की राइट का। दूसरा, फेथ का, आपको अपने जिसको एस्पनेज करना है, जिसको भी कोई ऐसी गतिविधि करनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। फिर वो इडियट होगा जो अपने मोबाइल से करेगा काम, ये तो सोचने वाली बात है। हमारे पास कई सारे ऐसे केस हैं, कर्नल पुरोहित साहब बैठे हुए, कितने साल लगा दिए, उनकी चार्जशीट तक नहीं फाइल हुई थी। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए और जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है उसको फॉलो करने के लिए हम गए, और कोई वजह नहीं है। किसी भी ऑफिसर को बदनाम करने का हक किसी का नहीं है। ये 22-20 साल जो सर्विस बनाई है ना, कैरेक्टर ही बनता है। आपको बड़ा मजा आता है उसमें गंदे सी कमेंट डाल करके और बड़ा अच्छा सा उसको हाईलाइट करके आप लोग बोलते हैं, और खास तौर से ये अपने फौजी हैं जो गद्दार हैं, जो बाहर आकर के ऐसा बोलते हैं किसी भी ऑफिसर के बारे में कि उन्होंने ऐसा कर दिया, आप जवानों के साथ ये हो रहा है। ये सब बंद करो यार, और भी तरीके हैं पैसे कमाने के। किसी को बदनाम मत करो, उसकी फैमिली बदनाम हो जाती है, बच्चे बदनाम हो जाते हैं, और मैं सोल्जर बोलता हूँ तो सारे रैंक आ जाते हैं इसमें। ये सब लड़ाई सबके लिए। अभी हमने रिव्यू पिटीशन डाली है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा और ना ही मैं चाहूंगा कोई ज़बरदस्ती का कमेंट करे, अदरवाइज मेरे पास पूरे एक्शन है आपके ऊपर लेने के लिए। बस मेरी पब्लिक से ये गुजारिश है, प्लीज़ इन सब चीज़ों के ऊपर ना जाएं। किसी को बदनाम करना बहुत आसान है, बट वापस एक बार खोई इज्जत चली जाती है ना, उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल है। तो सोच समझ के, अपनी मैच्योरिटी से सोचें, समझें, देखें, और जब तक आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आप परसीव मत, कोई भी चीज़ आप अपने आप से दिमाग में ना डालें कुछ गलत है। फैक्ट्स है, प्रूफ्स है, आने दीजिए, कुछ भी नहीं है आज तक। मैं आपको इस चीज़ का पूरा भरोसा दिलाता हूँ। जय हिंद, थैंक यू सो मच।